नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर वन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितना भी क्वेश्चन आज की वीडियो में हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, वो क्वेश्चन ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब के चैनल के कमेंट्री टैब में आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और आपका रिस्पॉन्स भी उस पर मिला है। और अगर आपका रिस्पॉन्स मिला है तो यानी कि आप अंदर से काफ़ी मोटिवेटेड हैं अपने एग्ज़ाम को लेके। और अगर आप मोटिवेटेड हैं तो 100% आप अपना एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और इन फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। और अगर आपको एक टीचर बनना है तो सिर्फ आपको मोटिवेटेड रहना ही होगा, क्योंकि तभी आप स्टूडेंट को क्या करेंगे, मोटिवेट कर पाएंगे। क्योंकि मोटिवेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, ठीक है। किसी चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहना ही ज़रूरी है, तभी आप आगे वर्क कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और आज की वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन बेस्ड है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन है, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 हाउ मेनी परसेंट ऑफ द कंट्रीज चिल्ड्रेन हैव बीन टारगेटेड टू इनरोल इन स्कूल एजुकेशन बाई 2030। कहा जा रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत, ठीक है, 2030 तक देश के कितने प्रतिशत बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए थे कमेंट्री टैब में, और वीडियो में भी आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, यानी 25%, 50%, 75% एंड 100%। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 63%, जिन्होंने रिस्पॉन्स दिया है 63% लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है फोर्थ ऑप्शन डी पे, यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, यानी कि 100% बच्चों का, ठीक है, परसेंटेज को रखा गया है टारगेट के अंदर 2030 तक, ठीक है। यानी कि जो आपका प्री प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, इसमें रखा गया है लक्ष्य कि 100% बच्चे क्या होंगे, स्कूली शिक्षा में इनरोल होंगे, नामांकित होंगे। और आपको हम बता दें कि 50% जो यहाँ पे 16% लोगों ने 50% पे रिस्पॉन्स दिया है, हम बता दें कि ये जो 50% है ये आप हायर एजुकेशन में लेके चलिएगा, ठीक है। उच्च शिक्षा में टोटल जो इनरोल होंगे बच्चे, ये आपके स्कूली एजुकेशन के अंदर, ठीक है, उनके 50% बच्चे हायर एजुकेशन में क्या किया गया है, पहुंचाने का टारगेट रखा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, ठीक है, 2030 तक, ठीक है। यानी कि टोटल जितने बच्चे आते हैं आपके प्राइमरी में, उसके 50% यानी 50% बच्चे कम से कम इसमें चले जाएं, हायर एजुकेशन में चले जाएं, क्योंकि हायर एजुकेशन में जाने का रेट काफ़ी कम है। और हम आपको बता दें, देखिए अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है तो सबसे पहले अगर हम कहें कि कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद, जो कि कोठारी कमीशन का, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कमीशन के का रिकमेंडेशन आपका 1964 to 66 के बीच में इन्होंने काम किया, और काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया था और देखा था पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम को, काफ़ी डीप इन्होंने सर्च किया, हर कमियों को इन्होंने जाना परखा, और इन्होंने क्या किया, अपना एक क्या किया, ड्राफ्ट बनाया और सरकार को दिया था, और सिफारिशें इन्होंने की थी कि हमारा राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति हो वो इस प्रकार हो। तो इनके ड्राफ्ट के आधार पे क्या इंदिरा गांधी ने सबसे पहले स्वतंत्र भारत का, ठीक है, 1968 में फर्स्ट आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडियन एजुकेशन के लिए लाई, कब, 1968 में, जब हमारी पीएम थी इंदिरा गांधी। उसके बाद हमारा सेकेंड आपका नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया था 1986 में, जो कि हमारे पीएम तब थे आपके राजीव गांधी, ठीक है। और फिर इसके बाद काफ़ी गैप हुआ, ठीक है, और फाइनली थर्ड आपका एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया, और इसका ड्राफ्ट तैयार किया था के कस्तूरी रंगन जी ने, ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन गठित किया गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए इन्होंने काम किया और इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। और ये आप बता दें, आपको बता दें, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। और
फिर इनके रिकमेंडेशन के आधार पे पीएम नरेंद्र मोदी के, ठीक है, कार्यकाल में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपका आया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, थोड़ा सा अगर कहें ये आपका जीके टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कोई आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, तो आप इसको थोड़ा सा फोकस्ड करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और तेज़ी से अब आगे बढ़ेंगे और आपका टाइम ज़्यादा जाया नहीं करेंगे। क्वेश्चन आपका 232, ठीक है, 232वां क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, वेयर विल कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल बी एक्सटेंडेड, यानी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका आपका जो विकास विद्यालय है को कहां तक आगे बढ़ाया जाएगा। तो आपको वो देखें, बता दें यहां पे जो चार ऑप्शन दिए गए थे, यानी कि 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन एंड मास्टर, तो आपको बता दें कि मैक्सिमम जो आप स्टेट देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, वहां पे 8th मैक्सिमम एंड कुछ जगहों पे देखेंगे 10th तक ये आपके विद्यालय अवेलेबल हैं। लेकिन अब इसको कहां तक बना दिया जाएगा, 12th, यानी कि 12वीं तक इसको क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, यानी कि इसका विस्तार जो हो रहा है वो आपका 12 तक हो रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट तक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है 233। क्वेश्चन, हु विल बी इस्टेब्लिश्ड अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इवेल्युएशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन योजना के निर्माण एवं प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किसकी स्थापना होगी। तो आपको बता दें कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए थे, यानी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, आपका मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, एंड आपका थर्ड नेशनल हायर रेगुलेटरी काउंसिल, एंड आपका फोर्थ GEC यानी जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो आपको हम बता दें कि जो करेक्ट आंसर होगा आपके क्वेश्चन में ही वो छिपा था, लेकिन आपने रिलेट थोड़ा सा नहीं किया। देखिए यहाँ पे 21% लोग यहाँ पे करेक्ट हैं, उसके अलावा ये तीनों ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की गई है, और अगर आप देखते हैं यहाँ पे कहा गया है फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो यहाँ से सीधे रिलेट कर रहा है, लेकिन आप अदर ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। आपका NETF यानी कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, यानी कि जो आपका ये राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि आपका शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण एवं प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीक के प्रयोग के विचारों के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF नामक स्वायत्त निकाय यानी कि बॉडी की स्थापना की जाएगी अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 234। क्वेश्चन इन द टर्म फिनोमिनोलॉजी इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ, यानी कि दृश्य प्रपंच शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में फिनोमिनोलॉजी कहते हैं, शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सेकंड आपका ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एंड थर्ड आपका ऑफ कोरिलेशन स्टडीज, एंड आपका ऑप्शन फोर है ऑफ सैंपलिंग पोटेंशियल। तो आपको हम बता दें कि जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी गुणात्मक शोध की प्रक्रिया से संबंधित है आपका शब्द फिनोमिनोलॉजी यानी कि दृश्य प्रपंच शास्त्र। तो आपका गुणात्मक शोध की प्रक्रिया से संबंधित आपका ये आपका शब्द है, और गुणात्मक शोधकर्ता का उद्देश्य बता दें कि मानवीय व्यवहार और व्यवहारों को शासित करने वाले, ठीक है, कारणों की, ठीक है, गहराई से समझ प्राप्त करना ही इनका मूल उद्देश्य होता है। और फिनोमिनोलॉजी जो रिसर्च है ये किसी विशेष
समूह के भीतर किसी विशेष घटना के नेचर यानी कि प्रकृति की अस्पष्टता पर पहुंचना होता है इसका मूल वर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ये होगा आपका ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 235। क्वेश्चन, ए फिजिशियन इज टू डाइड द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स ऑफ कोविड 19 डिजीज, हिज रिसर्च विल बी क्लासिफाइड। ठीक है, चलिए कहा गया क्वेश्चन में, एक चिकित्सक ने कोविड 19 रोग के दो औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, चलिए उन्होंने किया, और उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, उनके शोध को किस कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है एज अ डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एज पर्सनल स्टडी, एज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड आपका एज इथनोग्राफी। ठीक, तो यहाँ पे सबसे बेहतर और इजी ऑप्शन जो था आपके सामने वो था आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे आपके ड्रग्स का क्या हो रहा है, ड्रग्स का दवाइयों के इफेक्टिव यानी कि प्रभावशीलता का, ठीक है, दो दवाइयों के प्रभावशीलता का क्या किया जा रहा है, रिलेटिव यानी कि सापेक्षिक प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। तो क्या होगा, दवा दिया जाएगा फिर देखा जाएगा कि क्या प्रभाव हुआ, दवा दिया जाएगा फिर देखा जाएगा क्या प्रभाव हुआ। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, दवाइयों के प्रभावशीलता का स्टडी किया जाएगा और पता चलेगा कि दवाइयों का क्या प्रभाव पड़ रहा है पेशेंट के ऊपर। तो यही आपका यहाँ पे होगा कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये प्रायोगिक है। ठीक है, प्रयोग के बाद अगर फाइनली चीज़ें सक्सेस होती हैं तो निकल के दवाई आती है और आगे जो दवाई इफेक्टिव होगा उसी का यूज करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो वेरिएबल्स होते हैं मुख्यतः, आपका एक आपका इनडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, दूसरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इनडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है, प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर पता चल गया, ये आपका ऑप्शन थर्ड था। अब चलिए तेजी से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 236 पे। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेवेंट फॉर क्लियरिफाइंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज अ प्रोसेस। कहा गया है कि एक प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित सूक्तियों में से कौन सा प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रासंगिक नहीं है, तो आपको बता दें कि यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए थे और आपके सामने वो दिख रहे हैं, सिस्टमैटिक एक्शन यानी क्रमबद्ध क्रिया, प्रॉब्लम सॉल्यूशन यानी समस्या समाधान, थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन यानी कि वस्तुनिष्ठ अवलोकन, एंड आपका फोर्थ ऑप्शन ट्रायल एंड ईरर। तो आपको हम बता दें कि जो ट्रायल एंड ईरर है ये यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ये आपका प्रासंगिक नहीं है, ये शोध का अस्पष्ट अर्थ जो है उसको ये प्रेजेंट नहीं करेगा, यानी कि एक आपका प्रक्रिया के रूप में शोध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, क्रमबद्ध क्रिया सिस्टमैटिक एक्शन, वस्तुनिष्ठ अवलोकन यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और समस्या समाधान यानी कि एक आपका क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायल एंड ईरर का होना आवश्यक थोड़ी है, आपका क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक, क्या होना चाहिए, सिस्टमैटिक आपका एक्शन होना चाहिए शोध के, अगर अर्थ को प्रक्रिया के, शोध के प्रक्रिया को यानी शोध के प्रोसेस, ठीक है, को अगर के अर्थ को स्पष्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें आती हैं। लेकिन ट्रायल और ईरर जरूरी थोड़ी है, ट्रायल ईरर होना ही चाहिए, ट्रायल ईरर ना हो तो भी शोध हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये अर्थ स्पष्ट होता है, सिस्टमैटिक होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होना चाहिए यानी कि कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम बायसनेस फ्री होना चाहिए। तो ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है आपका 237। क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ टीचर। निम्नलिखित में एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी विशेषता है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। और सबसे पहला ऑप्शन है इफेक्टिव लीडरशिप एबिलिटी, यानी प्रभावी नेतृत्व की क्षमता, डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स, विषय का गुण ज्ञान, एंड गुड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, यानी अच्छे संप्रेषण की क्षमता, एंड स्टूडेंट वेलफेयर एक्शन, छात्र कल्याण की चिंता। तो देखिए अगर कहा जा रहा है कि इस निम्नलिखित में से एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाए विशेषता कौन सी है। तो देखिए अगर हम बात कहें कि जब हम कहीं पे कुछ भी चीज़ें अगर देखें स्टार्ट करते हैं तो हम किसके थ्रू स्टार्ट करते हैं, एक संचार के थ्रू, एक कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कम्युनिकेशन के आफ्टर और भी चीज़ें आएंगी जो आपका क्या होगा, आपका डीप नॉलेज होगा सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट के विषय के संबंध में आपका गुण ज्ञान होना चाहिए, प्रभावी नेतृत्व की क्षमता चलिए होनी ही चाहिए, छात्र कल्याण की चिंता होनी ही चाहिए। लेकिन सबसे टॉपिस्ट बात की गई यहाँ पे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी विशेषता है, अगर आपका अच्छे संप्रेषण की क्षमता यानी कि गुड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ना होता यहाँ पे तो हम कह सकते थे कि ऑप्शन सेकंड आप कर लेते। लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन का इसमें दे दिया गया है तो कम्युनिकेशन आपको क्लिक करना है, यानी 21% लोग यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं और रॉन्ग हो रहे हैं 71% लोग। हम आपको बता दें, देखिए कभी भी कोई चीज़ अगर आप किसी को समझाने चाह रहे हैं तो विद कम्युनिकेशन से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो आपके कम्युनिकेशन, ठीक है, की क्षमता बेहतर होनी चाहिए, अच्छा संप्रेषण की क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास वो क्वालिटी नहीं है अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने की तो आपके पास डीप नॉलेज रहे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, अगर आपके पास अच्छा संप्रेषण रहे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास डीप नॉलेज रहे लेकिन अच्छा संप्रेषण नहीं है तो आप अपने बातों को दूसरे तक पहुंचा नहीं पाएंगे, अपने आइडिया को दूसरे तक शेयर नहीं कर पाएंगे। तो बातें स्टार्ट होती हैं गुड कम्युनिकेशन से, आफ्टर आपके बहुत सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज की वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा और आपका देखिए 20 मिनट के अंदर ही हम आज का टोटल जो है MCQ टाइप का क्वेश्चन समेट देंगे। देखिए कहा गया है कि व्हाट इज अ कम्प्लीमेंट्री वर्ड इन कम्युनिकेशन, यानी संचार में गुणार्थक शब्द कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन था सरल, यानी कि इजी, एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, आपका कल्चरल, सांस्कृतिक, एंड आपका कंसपिक्यूअस यानी सुस्पष्ट। तो आपका यहाँ पे जो 74% लोगों का रिस्पांस रहा ये करेक्ट होगा, यानी कि संचार के गुणों का अर्थ जो अस्पष्ट कर रहा है ये आपका सुस्पष्ट यानी फोर्थ ऑप्शन होगा, ठीक है, कंसपिक्यूअस होगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और 8 क्वेश्चन पे हमने आज आपको फोकस कराया और आशा करते हैं कि आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अपने प्रिपरेशन में लेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे और जितने भी ऑप्शन हैं उसके बारे में भी आप कुछ ना कुछ सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ कड़े वर्ड होते हैं, कुछ कहें सॉलिड वर्ड होते हैं, जैसे गुणार्थक क्या है, तो हिंदी अगर वाले हैं तो जरूर गुणार्थक का मतलब क्या होता है इसको जरूर सर्च करना चाहिए अगर आपको नहीं आता है। अमूर्त क्या होता है, अमूर्त के बारे में थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। सुस्पष्ट क्या होता है, सुस्पष्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्या करें, डिकोड कर लें, ठीक है, एक तरह से आपको ये कोड यहाँ पे दिखेगा समझ में, अगर नहीं आता है तो इसको डिकोड कर लें, क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड रखना बेहतर जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है असिस्टेंट प्रोफेसर का तो आप किसी ना किसी, ठीक है, किसी ना किसी भाषा में आपको थोड़ा अच्छा, देखें महारत तो नहीं कहते हैं लेकिन अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ।